तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि होममेड मास गेनर शेक और प्रोटीन शेक, जिसमें हमने कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। What's up, Fitness family? This is Nikhil Nautiyal and welcome back to my channel. And also welcome to the Foodie Friday series. जैसा कि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम होममेड मास गेनर शेक बनाने वाले हैं, वो भी विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दैट टुडेज वीडियो इज रिक्वेस्टेड बाय टू ऑफ आर सब्सक्राइबर्स, जिनका नाम है केवी वाइंस एंड सागर एसबी। तो सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर सजेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन सप्लीमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो यहाँ पर अपने प्रोटीन इनटेक को कैसे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों ये स्पेशली मेरी आप लोगों के लिए वीडियो है। तो चलिए जल्दी से हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स चेक करने से। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है दोस्तों हमारा ओट्स, जिसमें हम 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स का इस्तेमाल करेंगे इस मास गेनर शेक को बनाने में। अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में जानें, तो इसमें हमें मिलेगी दोस्तों 407 कैलोरीज, 68.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 11.8 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन और 9.5 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है यहाँ पर दोस्तों दो फ्रोजन बनाना, जिसमें अगर आप न्यूट्रिशन फैक्ट को देखें तो इसमें आपको मिलेगी टोटल 121 कैलोरीज, 23 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 1.1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 0.3 ग्राम्स ऑफ फैट। इसके बाद तीसरा इंग्रेडिएंट जो आता है दोस्तों वो आता है हमारा यहाँ पर स्किम्ड मिल्क, जिसमें हम 500 ml का इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर न्यूट्रिशन फैक्ट देखें तो इसमें आपको मिलती है दोस्तों टोटल 289 कैलोरीज, 23.5 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 15 ग्राम्स ऑफ फैट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आता है हमारा वो है पीनट बटर, जिसमें हम 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल करेंगे। और इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में बात करें तो इससे मिलेगी आपको टोटल 199 कैलोरीज, 7 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 15 ग्राम्स ऑफ फैट। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमारी मिक्सी में ऐड करते हैं और हमारा जो होममेड मास गेनर शेक है विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट उसे बनाते हैं। अब लास्टली दोस्तों इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, हर्षी। तो आप इसको दोस्तों अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जितनी क्वांटिटी में आप ऐड करना चाहते हैं आप उतनी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर्षीज दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, तो इसीलिए टेस्ट के लिए भी और थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर के लिए भी, जो आपके शेक में दिखने में जो बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, तो हर्षीज अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। अब चलिए अब जल्दी से इन सब चीजों को आपस में मिक्स करते हैं। तो अब ये हो गया है हमारा दोस्तों होममेड मास गेनर शेक रेडी, वो भी विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको हम ट्रांसफर करेंगे हमारे शेकर में। और जैसा कि आप देख सकते हैं इस दौरान कितना थिक है ये। थिक होने का रीज़न क्या है दोस्तों, इसमें हमने ऐड किया है फ्रोजन बनाना, एक नहीं दो, और साथ ही में पीनट बटर, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा थिक बन चुका है ये। और फाइनली ये हो चुका है रेडी। तो ये है दोस्तों हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि होममेड मास गेनर शेक और प्रोटीन शेक, जिसमें हमने कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया है। अक्सर लोग दोस्तों ये सोचते हैं कि अगर आप लोगों के पास प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं बन सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको क्या चाहिए, बस एक अच्छी डाइट चाहिए, अच्छा वर्कआउट करना है आपने और अपनी बॉडी को अच्छे से रिकवरी चाहिए। अगर आप दोस्तों इस रेसिपी को रोज भी फॉलो करना चाहते हैं, रोज कंज्यूम करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं, आपकी बॉडी जरूर बनेगी। बस मेक श्योर आपका वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए
और आपकी रिकवरी भी अच्छी होनी चाहिए। अब मैं आपसे ये दोस्तों बताना चाहूंगा कि अगर आप इस रेसिपी को कंज्यूम करते हैं तो इससे आपको मिलेगी टोटल 1016 कैलोरीज, 122 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 37.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 39.8 ग्राम्स ऑफ हेल्दी फैट। तो यही थी दोस्तों हमारी आज की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल थी और बहुत ही इफेक्टिव थी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन लोगों के पास प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है और अपना वो मास गेन करने के बारे में सोच रहे हैं। मेक श्योर दोस्तों आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दें। उससे क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ऑल्सो दोस्तों अगर आप लोग कोई और रेसिपी मेरे थ्रू देखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस। और अब तो मैं इसे बहुत जल्दी से जल्दी खत्म करने वाला हूँ क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।